नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम इसी गाने की पूरी प्रोजेक्ट फाइल देखेंगे कि किस तरह से बना था, क्या इसके पीछे सोच थी, कैसे मैंने ओवरऑल ये गाना बनाया है और किस तरह से पूरा ये रैप सॉन्ग एग्जीक्यूट हुआ। आप सबको मालूम ही है कि जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उन्होंने मेरी स्टोरीज देखी थी, उसके बाद ये गाने के नीचे भी आपने पढ़ा होगा जब मैंने शेयर भी किया था, इसके शुरू में आता भी है। मैं वापस अगर वीडियो को यहाँ ले जाऊँ, वेलकम टू रूफ टॉप सेशन 3। रूफ टॉप पर बैठकर, यानी कि छत पर, आप सबने मुझे देखा था कि अपनी मैकबुक से उसी की माइक पर मैंने रिकॉर्ड करके ये गाना बनाया था। यहाँ पर लिखा भी है, इनपुट गियर है मैकबुक एयर इनबिल्ट माइक्रोफोन और आउटपुट गियर सेनहाइजर 280 प्रो हेडफोन्स। सेनहाइजर के 280 प्रो हेडफोन्स पर मैंने ये बनाया था। जितना भी इससे प्रोडक्शन और मिक्स हुई होगी सब इसके ऊपर हुई है। जो मेरा माइक्रोफोन था वो मेरी मैकबुक का, मेरे लैपटॉप का इनबिल्ट जो माइक होता है वही था, राइट। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब 2015 में रावण डब स्टेप का मैंने रैप लिखा था, वो थोड़ा बहुत वायरल हो गया था उस वक्त ही, उसको कुछ टाइम बाद ही मैंने ये लिखा था, लेकिन अब तक रिलीज़ नहीं कर पाया, तो अब जाके कर रहा हूँ। जब मैंने ये सॉन्ग बनाया, यहाँ पर मैंने क्या इसके लिरिक्स शेयर किए हैं, लेट मी सी। जी हाँ, यहाँ पे लिरिक्स भी हैं। ओके, हम लिरिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको ओवरऑल बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम एक रैप सॉन्ग को एग्जीक्यूट करते हैं, मेरी अपनी अप्रोच क्या होती है। अलग अलग तरह के रैप सॉन्ग होते हैं, हिप हॉप होते हैं, स्टोरी लाइन वाले होते हैं, कमर्शियल होते हैं, पॉप के ऊपर कोई पॉप सॉन्ग्स होते हैं, उसके बीच में होते हैं, तो अलग अलग तरह के आपने मेरे सुने भी होंगे, कुछ हिप हॉप होंगे, किसी में मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन ये एक अलग ही जॉनर है, ये मेरी अपनी फील है। ये आप सुनेंगे तो ना ही ये स्ट्रीट म्यूज़िक में आता है, ना ये हिप हॉप म्यूज़िक में आता है, और ये क्लासिकल में भी नहीं है, तो ये बड़ा ही ये मिक्सड, ये फ्यूजन सा है। ये मेरी एक अपनी फील है जिससे मैंने ये बनाया था। और जो इसके सबसे पहले शुरुआत में जो मैंने यहाँ पर बनाया, आप जिन्होंने ये गाना नहीं सुना है वो जाके सबसे पहले ये सुन लें तो बेटर है। एक बार सिर्फ 2 मिनट का है। शुरू में मैंने एक सीन सा डाल रखा है, इन दोनों में आपस में रावण और मेघनाथ में आपस में वार्तालाप हो रही है। आप चाहे मेघनाथ कहें, चाहे मेघनाद कहें, चाहे मेघनाथन कहें, बहुत सारे इनके नाम हैं जो कि मैंने यहाँ पर नीचे बताया भी है। तो आपस में वार्तालाप हो रही है, उसके बाद यहाँ से म्यूज़िक शुरू होता है और सब लिरिक्स वगैरह साथ साथ आएंगे, तो आप सुन भी सकते हैं। अच्छा, ये सुनेंगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर एक म्यूज़िक लिया था, अब ये जो राग है, हमने सबने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, शिव तांडव स्तोत्र होता है जो, और अलग अलग रागों में हम सुनते जाते हैं। मैं आप ज़्यादातर जो कमर्शियली जो कैसेट्स आती है मार्केट में जो कहीं इधर उधर सुनने के लिए, तो शिवरंजनी में होता है, किसी में होता है, तो मैंने जिस राग में मेनली ये बना गया है या हम बचपन से ज़्यादातर सुनते आ रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट वही राग लिया, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी, थोड़ी सी डिवोशन वाली फील थी, तो मैंने एक दो नोट्स चेंज कर दिए सो दैट उसमें थोड़ा एक रेज वाली फील आए, क्योंकि मेरे रैप का जो ओवरऑल थीम था वो यही था कि वो जो मेघनाथ है वो क्रोध में अपनी पूरी जीवन की गाथा बता रहा है विद इन 1 और 1.5 मिनट्स। तो जो कि हम बचपन सुन रहे हैं, आपने सुना होगा जटा टवी गलप प्रवाह, गलच प्रवाह हम सुनते हैं ना, वो वाली चीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी एक बेस लाइन मैंने ली, आई थिंक वो ये होगी, जड़ा तवी गलच प्रवाह दरारा, तो इसकी का डंड डंड डबरारा, ये नोट मैंने चेंज कर दिए, लेकिन ऊपर जो मैंने सबसे पहले श्लोक गाया, शाम न विद्या न तपो न दान न चापी न शीलम न घूणे न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चर। ये श्लोक रामायण या कहीं और से नहीं लिया गया है, ये श्लोक जो है ये चाणक्य नीति का है, जो कि मुझे अच्छा लगा कि इस सिचुएशन पे फिट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रखा। ये शाम ना विद्या ना तपो ना दानम, जिसमें ना एजुकेशन है ना विद्या है ना तप करता है ना दान करता है, ना चापि शीलम ना गुण है ना धर्म, जिसमें ना गुण है ना धर्म का आचरण करता है ना ही वो शील है, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता, वो इस मृत्यु लोक में भार के समान है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, और मनुष्य के रूप में हिरणों की भांति विचरण करता है। ये इसका भावार्थ है।
तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापी न शीलम न गुण न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। दरारे दारे रारा रा दरारे रार। और जो दूसरा मैं गाऊंगा वो फिर वही वाला राग वापिस आ जाएगा, देखिएगा। शेषाम न विद्या न तपो न दानम न चापी न शीलम न गुण न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। शेषाम न विद्या न तपो न दानम न चापी न शीलम न गुण न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ददन ददम ददन दरा दरन ददम ददब ददा ददम। और हम देखते हैं नीचे मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं। सिंपल कोई एक नोट है, कोई प्लक है, कोई जिसकी रिवर्ब ज्यादा है लेकिन डिके एकदम जीरो है, तो ठोम करके झटके से वो बंद भी हो जाता है। तो दोनों मिलाकर ये बहुत अच्छी वाइब देते हैं स्टार्टिंग के लिए। ब्रास ऐड किया, ये ब्रास शायद मैंने शायद टॉक्सिक बायोहैजर्ड में डिज़ाइन किया होगा क्योंकि मुझे एक वाइब इस तरह की आ रही है। और यहाँ पे है एक यहाँ पर वोकल्स, तो थोड़ी ह्यूमन फील भी आनी चाहिए, उससे थोड़ा एक वाइड फील आने लगती है। और यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, ये तता मैंने कहाँ ऐड किया, जब मैंने उस वापस उस राग के ऊपर आ गया, मैं उस नोट्स के ऊपर आ गया जिसपे एग्जैक्टली वो गाया था। राग तो चलिए सेम ही है, तो हम एक बार यहाँ से देखते हैं। एक सिंपल मेरे वोकल्स। अब ये मैंने लैपटॉप के माइक पे गाए थे, थोड़ा बहुत नॉइज़ था तो मैंने नॉइज़ रिमूव कर दी थी एडिसन से। जिनको नहीं मालूम वो कैसे होता है वो सर्च कीजिएगा, दृष्टि प्रोडक्शन पर ही मिल जाएगा नॉइज़ रिमूवल एडिसन में। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ही एलेबोरेट करके ये सारा बताने वाला हूँ कि रैप किस तरह से मेरी अप्रोच होती है 0 से 100। अगर मैं टेक्निक्स भी बताने लग जाऊँगा नॉइज़ रिमूवल वगैरह तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो आपका भी मन नहीं करेगा देखने का। बहुत ही सिंपल है नॉइज़ रिमूवल इन एडिसन। तो मैंने एडिसन में पूरे वोकल डाले, रिमूव किया जितना नॉइज़ हो सकता था। ज़्यादा नॉइज़ रिमूव करने से क्या होता है कि आपकी जो आवाज़ है थोड़ी बबली, थोड़ी ब्लर साउंड होने लग जाती है। ऐसे लगता है कि DSR बहुत ज़्यादा खींच दिया है, थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा हिला दिया है। तो हल्का सा मैंने नॉइज़ रिमूव किया। साथ में आप देखेंगे ये तो सेंटर है मेघनाथ मेघनाथ मेघनाथ, और एक इसके नीचे अलग गाया है मेघनाथ 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 हुमाय। और दोनों की प्रोसेसिंग अलग है, ऊपर रिवर्ब ज़्यादा है नीचे कम है, एक मोनो है एक बिल्कुल वाइड रखा हुआ है। और बाद में जब यहाँ पर रैप आता है एक सेक्शन खाली फिर रिपीट खाली रिपीट। जला 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 हर साल तू जला, बाप का कहा मानने की ये सजा, लंकेश तेरे पास अब बचाना कुछ शेष, वध करने तेरा आया वो बदल के भेष, भक्त का ये पुतला जल रहा है आग से, कुल पे दाग ना हो लड़ पड़ा मैं शेष नाग से। अब आप सुन रहे होंगे कि ये किसी इफेक्ट से बनाया है या नहीं, गाते टाइम ही आपकी ये फील होनी चाहिए। तो मैं ये फील ले रहा था कि ये मेघनाथ गा रहा है मेघनाथ हूँ मैं, जला 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 हर साल तू जला, तो मैंने पूरा गाते हुए इस आवाज में ही गाया। और जहाँ 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 मुझे लगता था कि मेरा गला चोक होने वाला है तो मैं कोशिश करता था, और मुझे याद है कि एंड तक गाते गाते छत पर ही बैठे हुए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरा गला थोड़ा पेन करने लग गया था क्योंकि मैं काफ़ी फील में आ गया था। क्योंकि एंड में जाके आप देखेंगे तो मेरी खांसी की आवाज़ भी है जो बिल्कुल यहाँ आती है। तो यहाँ जाके मेरा गला काफ़ी पेन करने लग गया था। तो ये गाया ही इस तरह से है, ये नहीं है कि किसी मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कौन से इफेक्ट से बनाया गया है, ऐसा नहीं है। इसे हम गाते ही इस तरह से हैं। कोई पतला होगा अपने नूर गाना सुना होगा, नूर 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 तारे तारे रा रे रा, ये वाला है। या मैं कोई नीचे वाली आवाज़ में गाऊंगा, कोई भारी में गाऊंगा, कोई पतले में गाऊंगा, डिपेंड करता है मेरा गाने की क्या डिमांड है। मेघनाथ हूँ मैं, तो ये इस तरह से था क्योंकि एक दैत्य गा रहा है, एक असुर गा रहा है, अति महारथी है, पावरफुल है, जिसने इंद्र को जीता हुआ है। और अगर हम ज़्यादा पढ़ें तो काफ़ी जगहों पर ये होता है कि अगर वो जो फाइनल यज्ञ था शीतला माता का, अगर वो जीत जाता तो रावण से भी ज़्यादा पावरफुल होता। तो इतने पावरफुल व्यक्तित्व का अगर मुझे डिपिक्ट करनी है आवाज़ तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल होनी चाहिए, राइट। सो ये लेयरिंग है, मैं जाता हूँ वापिस पीछे।
अब हम इसके रिदम सेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद मैं लिरिक्स की बात करूंगा। यहाँ से सुने, सिंपल है। और यहाँ पर एक राइजर चल रहा है बड़ा हल्का सा, ये शायद 3x ऑसिलेटर में बना होगा। तो पीछे से शोर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ जाके आपको लगेगा ड्रॉप आ रहा है, लेकिन आई गिव इट एन एंटी ड्रॉप, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा सब कुछ, सो दैट मेरे वोकल्स एकदम क्लीन सुने, क्योंकि पहले ही वो लैपटॉप के माइक से रिकॉर्डेड हैं, पहले ही उनमें ज्यादा सफाई नहीं होगी। अब यहाँ जाकर आती है रिदम, ये बंद किया, इसके वोकल्स बंद करता हूँ, सिर्फ रिदम सेक्शन देखते हैं कि मेरा क्या है। ये आई मेरी एक किक, यह है मेरा हे वोकल्स, ये है एक क्लैप, क्लैप अकेली सुने, हे, उसके बाद किक स्नेयर बिल्कुल एंड में लगा के देखते हैं, देखिए और क्या है। ठीक है, ये वही बेस लाइन, ये वोकल्स हैं बस, और किक स्नेयर देखिए बिल्कुल क्लीन है और बड़ी अच्छी वाइब देगा। यहां जाकर जब चार बार मेरे निकल गए तो मैंने हैट ऐड की 1/6 पे, भक्त का ये पुतला जल रहा है आग से, कुल पे दाग ना हो लड़ पड़ा मैं शेष नाग से, प्राण त्याग के जो दी आहुति उसके फल स्वरूप हंस रहा ये संसार जलता मुझको देख के, मेले में खड़ा 20 फुट का खा के गालियां, बच्चे बूढ़े सब हैं पीट रहे देख तालियां, वृद्ध आश्रम में बाप पूछो अंतरात्मा से, हट पिता का फिर भी लड़ पड़ा मैं परमात्मा से, पूछ जाके मेरी माँ से। ये बढ़ता जा रहा है और राइजर, और यहाँ एकदम खत्म, मैं एक नाथ हूँ मैं, एक और राइजर यहाँ पर, क्योंकि अब ड्रॉप आने वाला है। ये साउंड सुनते हैं, ता ता ता, शायद GMS, और ये मेरा है, और ये मेरी किधर गए, एक ब्रास यहाँ है, एक ब्रास थोड़ा एक ऊपर नोट एक नीचे नोट, और ये क्या है, डम डम, और ये, और ये ऊपर देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है, और ये क्या है, तो अलग 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 साउंड्स ऐसे लगती हैं। ये नहीं है कि हमने कोई एक इफेक्ट देख लिया, हाउ टू मेक डब स्टेप, हाउ टू मेक ट्रैप स्टेप, हाउ टू मेक ग्लिच, हाउ टू मेक ड्रिल या रिडिम, और मैंने ऐसा कोई एक देख लिया, उसमें बताने वाले ने एक VST से एक इफेक्ट बताया और मैंने पूरी की पूरी मेलोडी, पूरे पूरा ड्रॉप उस एक VST से निकाल दिया। नहीं, कुछ इफेक्ट यहाँ, दूसरी लेयर, कुछ यहाँ, कोई यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और ऊपर नीचे का ऑक्टेव, फिर यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद यहाँ पर भी था, बिना किक स्नेयर के सिर्फ इफेक्ट्स ऑन करके सुनते हैं। ये क्या है, ये शायद आवाज़ है, धमता तपतता तधमता तपत बेगना तो हूँ मैं, धमता तपतता तधम, तो मैंने उसी मेलेडी में उसी राग के अंदर ही फील ली है कि मैं कहीं आउट ना चला जाऊँ, ड्रॉप के चक्कर में ओवर फील भी नहीं लेनी है, रखूँ मैं उसी को पकड़ के शिव तांडव स्तोत्र, जो कि सेम नहीं है, मैंने एक दो नोट चेंज कर दिए थे, बट फिर भी एक वाइब वही रहे जो रावण ने लिखा था, तो उस वाली वाइब ही रहे। मेघनाथ मेघनाथ मेघनाथ,
ये वापिस आ गया क्योंकि मेघनाथ हूँ मैं यहाँ पे फिनिशिंग आने वाली है। मेघनाथ मेघनाथ हूँ मैं, मेघनाथ 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 हूँ मैं, यहाँ खत्म हुआ। इसको हम एक बार फिर से देखेंगे। लिरिक्स की जहाँ बात है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि रैप के लिरिक्स कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताओ। बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहली तो ऑब्वियसली आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आपकी लेक्सिकन है, जो आपका शब्दकोश है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। उसके लिए आपको दुनिया का हर तरह का गाना सुनना है, अपनी अप्रोच खुली रखनी है, ये हर तरह की चीज़ सुननी है, हर तरह का म्यूज़िक सुनना है। क्लासिकल सुनिए, साउथ इंडियन सुनिए, पंजाबी म्यूज़िक सुनिए, गुजराती सुनिए, बंगाली सुनिए, देश के बाहर के गाने सुनिए, वेस्टर्न हो चाहे अरेबिक हो, सो दैट आपका दिमाग जितना ज़्यादा आप सुनते रहेंगे उतना ही खुलता रहेगा। लिरिकली आप बड़े से बड़े लिरिसिस्ट को और नए से नए लिरिसिस्ट को सुनिए, चाहे फ्रेश लिरिसिस्ट की बात हो, सिद्धू मूसेवाला पाजी हो गए, करण औजला पाजी हो गए, कितने फ्रेश न्यू वो वर्ड्स लेकर आते हैं। फैक्ट्स गाना करण औजला पाजी का ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है, और आप देखेंगे कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं किए, बड़े सिंपल सिंपल वर्ड यूज़ किए हैं, लेकिन जो मैसेज देना चाहते हैं वो एक एक लाइन, एक एक लाइन आपको ऐसे लगेगा हुक है। ऑन दी अदर हैंड, आप तर्कश किताब पढ़िए जावेद अख्तर साहब की, गुलजार साहब को सुनिए, तो आपकी जो लिसनिंग की एक रेंज है बहुत वाइड होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, उतने ही आप ज़बरदस्त वर्ड्स आपके मन में आने लग जाएंगे। तो इसके लिरिक्स मैंने यही लिखा है कि मेघनाथ की कोई गलती नहीं थी, उसके फादर की गलती थी, लेकिन मेघनाथ की ड्यूटी थी, मेरे फादर ने बोला है तो मुझे जाके लड़ना है। लड़ते वक्त मेघनाथ को पता भी लग गया था कि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट गॉड और मैं डेफिनेटली मरने वाला हूँ, इसके बावजूद वो हटा नहीं, लड़ता रहा और वीरगति को प्राप्त हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉरियर था, उसे मालूम था कि मैं बचने वाला नहीं हूँ और मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ, पर मेरे फादर ने बोला है तो मुझे करना है। इसलिए मैंने एंड में यहाँ पर लिखा भी था, अगर हम देखेंगे, बी अ ब्रदर लाइक लक्ष्मण एंड भरत, बी अ सन लाइक श्री राम एंड मेघनाथ। एक ने अपने फादर के कहने पर बिना कुछ क्वेश्चन किए जंगल में चले गए 14 साल के लिए, दूसरा लड़ने चला गया, उसने कुछ सवाल नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस पिता ने कहा है जाओ बेटे लड़ो, ओके पापा मरने जा रहे हो, हाँ ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को गॉड मानने वाले लोग, हमें भी अपने पेरेंट्स को भगवान मानना चाहिए। मुझे कमेंट्स में बहुत लोग लिखते हैं कि मेरा म्यूज़िक में कुछ बन नहीं रहा, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत गलत बात है। सपोर्ट करेंगे उन्हें प्रूव करो, नहीं भी कर रहे तो उनके हिसाब से जियो, अपना पैशन फॉलो करो, कोई ना कोई एक तरीका निकालो, लेकिन दुनिया के सामने जाकर ये मत बोलिए कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे। आपके पेरेंट्स आपको खाने को रोटी दे रहे हैं, रहने को घर दे रहे हैं, आपके नाम पे तो ना कोई घर है, ना आपने अभी तक तो कोई रोटी कमाई है, टेक्निकली कहें तो हम उनकी छाती पे बोझ हुए ना, तो हमें हक नहीं है कि हम जाके कहीं बोलें मेरे पेरेंट्स मुझे म्यूज़िक में सपोर्ट नहीं कर रहे। करेंगे वो, एक दिन करेंगे, हर चीज़ में करेंगे, वक्त लगता है तो लगे रहिए। बात आई लिरिक्स की, तो यही बोल रहा है कि जला हर साल तू जला, बाप का कहा मानने की ये सजा। तो ये फील मुझे कैसे आई और मैं किस तरह से रैप लिखता हूँ, 2014-15 में जब भी ये लिखा होगा तो कोई ना कोई एक बीट मैंने लगा रखी होगी, ये बीट नहीं थी तो ये तो मैंने अभी फ्रेश बनाई थी। तो मान लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ, एक बेस लाइन इतना रखते हैं और क्लैप किक स्नेयर और चलिए हे इतना रखते हैं। Yeah. Okay. Here we go. Yeah. Right. अब ये लूप पे चलती रहेगी, 35 मिनट, 40 मिनट, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, और मैं लिखता रहूँगा उसके ऊपर, मैं जो फील मेरी आती रहेगी। साथ साथ उसे हर दो लाइन मैंने लिखी, गुनगुनाई, टेम्पो पे है सही है, टेम्पो पर नहीं है तो कुछ प्रेपोजिशंस काटी, कुछ ऑन एंड ऑफ काटा, फिर गुनगुनाई, देखा क्या वर्ड्स का मतलब बन रहा है, क्या वर्ड्स मैंने अच्छे चुने हैं, क्या मेरे वर्ड सिलेक्शन अच्छी है, या मैंने बस ये लिख दिया तू दिल तोड़ गई, मुझे तोड़ गई, मुझे छोड़ गई, आज मुख मोड़ गई। बहुत ही बेसिक लिरिक्स, हर 100 में से 90 गाने से लिरिक्स हैं। डेफिनेटली ऐसे हल्के लिरिक्स वाले मजाकिया चीज़ें मत लिखिए। अगर आपको एज एन आर्टिस्ट स्टैंड आउट करना है तो आपके लिरिक्स, आपकी साउंड, आपका म्यूज़िक, हर चीज़ स्टैंड आउट होनी ज़रूरी है। तो एक लूप चलती रहेगी और जो भी वाइब आती रहेगी एक एक लाइन में लिखता रहूँगा, फिर उसे गुनगुनाता रहूँगा, देखूँगा क्या प्रॉपर मीटर पे आ रही है, क्या प्रॉपर बीट पे आ रही है, क्या उसके लिरिक्स पक्के लग रहे हैं, अगर मुझे कोई सुनाए क्या अच्छा लगेगा, इस तरह से मैं लूप चला के रखूँगा। उसके बाद साथ साथ लिखते लिखते मैंने ये लिखा है कि मुझे हर साल आप जलाते हो, जलाते रहो, मैंने तो सिर्फ अपने बाप का कहा माना था, इसी की ये सज़ा है।
लंकेश तेरे पास अब बचाना कुछ शेष वध करने तेरा है वो बदल के भेष। पितृ भक्त का ये पुतला जल रहा आग से, कुल पे दाग ना हो लड़ पड़ा मैं शेषनाग से। ई वॉज किल्ड बाय लक्ष्मण जो कि अवतार थे शेषनाग के। प्राण त्याग के जो दी आहूति उसके फल स्वरूप हंस रहा यह संसार जलता मुझको देख के। सो ये लाइन मैंने लिखी थी, मेले में खड़ा हूँ 20 फुट का खा के गालियाँ, कि मैं मेरा 20 फुट का पुतला खड़ा कर दिया है। हर साल खड़ा कर देते हैं दशहरे पे और जला देते हैं, गालियाँ देते हैं। बच्चे बूढ़े सब हैं पीट रहे देख तालियाँ, और बच्चे बूढ़े सब आते हैं और तालियाँ बजाते हैं, अरे मेघनाथ के पुतले को आग लगा दी मज़ा आ गया। बट वो भूल जाते हैं वृद्ध आश्रम में बाप पूछो अंतरात्मा से, अपने बूढ़े बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आते हैं लेकिन आकर मुझे मेरा पुतला जलते हुए देख के तालियां बजाते हैं जो अपने बाप के लिए लड़ पड़ा था। सो हठ पिता का फिर भी लड़ पड़ा मैं परमात्मा से, पूछो जाके मेरी माँ से वीरांगना की ये सजा, विधि का ये विधान नियति की रजा। कि आप अपने माँ बाप को तो वृद्ध आश्रम में छोड़ आए हो, मेरे पिता और मेरी माँ से पूछो जिन्होंने अपना बेटा खो दिया। सो जैसी जैसी मुझे फील आती है मैं वैसा लिखता जाता हूँ, राइट। सो मेन यही है, रिदम चलती रहे। आप कोई भी रैप बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिदम सेक्शन। ये जो है ये भी इफेक्ट में ही माना, ये मेन है मेरी किक, मेरी स्नेयर, मेरी बेसलाइन और कोई एक मेलोडी। यहाँ जो मेरी बेसलाइन है वो मिड फ्रिक्वेंसीज में खेल रही है, वो ज़्यादा 80-70 इस रेंज में भी नहीं जा रही है हर्ट्ज में, और ना ही वो 3000 वगैरह है उस रेंज में भी नहीं जा रही। थोड़ी सी लोअर फील भी है, थोड़ी मिड फील भी है, तो बेसलाइन और मेलोडी दोनों का ही काम कर रही है, क्योंकि मैंने बनाते वक्त ऊपर और नीचे दोनों ऑक्टेव में नोट्स रखे थे। किक, स्नेयर, दैट्स इट। या आ चेक दैव नेक्स्ट लेवल हियर वी गो आ ये ओके। सो ये मेन चीज मेरी है और ये चलता गया यूं। जला 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 हर साल तू जला, बाप का कहा मानने की ये सजा। लंकेश तेरे पास अब बचाना कुछ शेष, वध करने तेरा आया वो बदल के भेष। अब ये बहुत ज़्यादा इसमें शोर था क्योंकि माइक अच्छा नहीं है और आवाज़ बहुत ज़्यादा ग्रंज वाली के साथ मैंने रिकॉर्ड किया है, राइट। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी आएंगी, बहुत ही डिस्टर्बिंग फ्रिक्वेंसीज आएंगी, वो फ्रिक्वेंसीज आएंगी जो बाकी म्यूज़िक को खाएंगी। तो EQ दो तीन EQ मुझे लेने पड़े, बहुत सारी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसीज काटनी पड़ी। आप मेरा लेक्चर देखेंगे, 30 लेक्चर्स का मेरा कोर्स है इसी चैनल पर दृष्टिकोण पे, जिसमें वोकल प्रोसेसिंग का लेक्चर है वो आधे पौने घंटे का है। उसमें देखिए मैंने EQ में क्या किया है, एक कोई भी एक पर्टिकुलर बैंड मैं बूस्ट करूँगा, बिल्कुल नैरो कर दूंगा उसका क्यू, लेफ्ट राइट करके देखूंगा कहाँ पे वो विस्लिंग साउंड आ रही है, कहाँ पे वो रेजोनेटिंग साउंड आ रही है, और उसे 3-4, 2-3 dB नीचे कर दूंगा। जो मैंने बोला है वोकल प्रोसेसिंग वाला लेक्चर में देखिएगा, ज़रूर मिलेगा। सो बहुत सारे अलग अलग 2 या 3 EQ मुझे लेने पड़े थे सिर्फ फ्रिक्वेंसीज काटने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जला 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 हर साल तू जला, बाप का कहा मानने की ये सजा लंकेश। तो ये इतना और उसमें ईश ईश ये सब आवाज़ें आ रही हैं, तो बहुत हाइज भी काटनी पड़ी, बहुत एयर थी, तो EQ का बहुत ज़्यादा काम था इसके अंदर। तो यही है, देखिए बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं है, ये खाली ही पड़ा है। आई डोंट नो वोकल्स अच्छा इसमें होंगे, उड़ा दिए, यहाँ भी वोकल्स से वो भी उड़ा दिए, ठीक है। एक राइजर है, एक यहाँ पर ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। अच्छा ये उसके डायलॉग जो आप शुरू में देखेंगे वो, ये शुरू में वार्तालाप हो रही होती है दोनों में जो मैंने बताई। तो बड़ा सिंपल सा, देखिए किक स्नेयर बेसलाइन एक क्लैप एक हे दैट्स इट। तो अब बाकी सब तो यहाँ पर चलो डबस्टेप का इफेक्ट्स आ गया, बाकी आ गया। ओवरऑल अगर आप गाना देखें तो कुछ भी नहीं है, वोकल्स तो हैं ही, वोकल्स छोड़ें, बेसलाइन किक स्नेयर और हे बस। ये भी एक्स्ट्रा क्लैप मैंने लेयर ही की है लेकिन चलती है तो बहुत ही 20-25% ही सुनती है, इससे ज़्यादा नहीं। किक स्नेयर हे और बेसलाइन, 4 चीज़ों के अंदर ये ख़त्म हुआ है, लेकिन आप सुनेंगे तो काफ़ी भरा भरा सुनेगा। सो काम करते जाइए, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा। ये मैंने ऊपर ओवरऑल जो आपको दिखाया इससे आपकी अप्रोच देखिए किस तरह से मेरी रही है ओवरऑल गाने की। और जो लोग भी मुझे पूछते थे आप रैप सॉन्ग किस तरह से बनाते हो, यही मेरी ओवरऑल अप्रोच होती है। आगे पीछे मत कीजिएगा, इत्मीनान से सुनेगा, मैंने हर चीज़ इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। और मैं आशा करूँगा आप मेघनाथ देव नेक्स्ट लेवल मेरे इस चैनल पे देव नेक्स्ट लेवल चैनल पर जाके ज़रूर इसे लाइक करेंगे, सुनेंगे, कमेंट करेंगे। काफ़ी मेहनत लगती है, आपने देखा ही है, लिखने में बहुत मेहनत लगती है, म्यूजिकैलिटी में बहुत मेहनत लगती है, राइट। ये मेरा YouTube है youtube.com/devnextlevel, इसे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा Instagram है instagram.com/devnextlevel, मेरे सारे अपडेट्स ज़्यादातर यहीं पर आते हैं, मुझे यहाँ पर ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा Facebook है facebook.com/devnextlevel, यहाँ भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फरहोश दीवान, अभी अभी उन्होंने मेरे पेज की कोई तस्वीर लाइक की है, थैंक यू।
तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।